हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच एम में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में क्लास 10 के संस्कृत का एग्जाम है, तो उसके संदर्भ में हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत आता है, जो वह है संधि। तो संधि हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स की होती है और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम संधि को कंप्लीट करेंगे और मेन मेन टॉपिक्स पे हम विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि संधि जो है, पहले देख लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं जिन पे हम विचार करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में हम पढ़ेंगे 4, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और भी होती हैं स्वर संधि के प्रकार, लेकिन मेन यही है 5 ईयर से इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और व्यंजन संधि में जश्त्व संधि से प्रश्न उठता है और विसर्ग संधि में सत्व संधि और उत्व संधि से प्रश्न उठता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी पर विचार करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ढंग से समझना और एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट करके आना। तो हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि के यण संधि से। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात दिख रही होगी यहाँ पर, यवरल। ये क्या चीज है? अभी तक तो आपने समझ लिया होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यण संधि में जो वर्ण उपयोग होते हैं, जो वर्ण है वो है य व र ल। अब किसी भी, यदि हम संधि विच्छेद को यदि उसमें संधि विग्रह में करते हैं, तो उसके अंदर दो साइड्स आती हैं। एक आती है लेफ्ट प्लस राइट, जुड़कर बनता है अपना पूरा एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड है, उसके अंदर क्या शब्द आएंगे जिसमें हमारे को य लगाना पड़ेगा, व लगाना पड़ेगा, र लगाना पड़ेगा, ल लगाना पड़ेगा। तो उसको हम समझेंगे। तो उसको समझने से पहले सबसे पहला प्रकार हम समझेंगे य का। किसका समझेंगे? य का। तो सबसे पहले हम य के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में ई, ये कौन सी है? ये छोटी ई, और ये कौन सी है? बड़ी ई आए, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यो के अंदर। किसके अंदर? और ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसके अंदर, ये किसको दर्शाता है? कि यो में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, जैसे अ आ ई कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल है अति प्लस उत्तम। तो इसका अपन जोड़ के क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, हमने क्या बोला कि ई के स्थान पर क्या लगेगा? य। तो जहां पर भी ई लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या लगेगा? य। तो ई कहां पर लगा हुआ है? तब यहां पर क्या लगा हुआ है? अब बड़ी ई है या छोटी ई? तो ये कौन सी है? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो इसका क्या बन जाएगा? य। और किस प्रकार बनेगा? य के अंदर मात्रा किसकी जुड़ती है? य के अंदर मात्रा जुड़ती है ये वाली, ठीक है, प्लस ऊ की मात्रा जुड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा बताइए? यू बन जाएगा। तो अपन जिसके ऊपर भी ये वाली मात्रा लगती है, उसको हम, उस शब्द को हम, जैसे त के ऊपर क्या लगा हुआ है, समझिए, यहां पर त प्लस ई, ये बनकर क्या बना है? ये। तो ये बना है, तो इसको हम क्या कर देंगे? आधा है ये, तो ई की मात्रा तो हम हटा ही रहे, ई की जगह हम क्या लगा रहे हैं बताइए? ये लगा रहे। और ये में मात्रा किसकी लग रही है? इसकी, ऊ की, और ये बन रहा है यू। ठीक है, अब समझिए, यहां पर तो होगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे हम इसको? अ का ऐसा आधा तय, और यू हमने यहां बना रखा है यू, और पीछे का पीछे ऐसे कैसे आ जाएगा? अत्युत्तम। तो ये वर्ड हो जाएगा अपना, किससे? अति प्लस उत्तम का जो हम जोड़ होगा वो क्या होगा? अत्युत्तम। ठीक है, किस प्रकार हुआ? अति के अंदर जो लास्ट वर्ड है, जिसके अंदर ई या ई में से जो भी हमारा कंडीशन होगी उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है,
ई में से कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा लग रही है, छोटी ई की जगह क्या आएगा, य आएगा, और य में मात्रा किसकी लगेगी, ऊ की, तो ऊ की मात्रा लग गई य, आधा प्लस ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, यू। अब यू, अब जिस पे मात्रा लगी उसको आधा लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने समझा रखा है, तो ये बन गया पूरा का पूरा त्यू, ये किस प्रकार बन गया, त्यू करके, तो पूरा वर्ड क्या बन गया, अत्युत्तम, ठीक है ना। इसी प्रकार हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और है, जैसे प्रति प्लस आगच्छति, प्रति प्लस आगच्छति। अब समझिए, अब यहां पर कौन सी मात्रा है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, छोटी ई की जब भी मात्रा होती है हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बताइए, ये, और ये के अंदर मात्रा किसकी जुड़ती है, जो राइट साइड है, जो राइट साइड है उसका जो प्रथम वर्ण है, जो राइट साइड में जो प्रथम है उसकी मात्रा जुड़ती है, मतलब किसकी मात्रा जुड़ेगी, अ की, किसकी, अ की, तो ये बन जाएगा क्या, या बन जाएगा। अब या बन गया, और जिसके अंदर भी मैंने बताया जिसके अंदर भी ये मात्रा लगी होती है, जैसे ई, और ई की जिसके अंदर भी मात्रा लगी होगी या जो भी हम अभी कंडीशन पढ़ेंगे वो मात्रा लगी होगी, तो उस वर्ण को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आधा, तो आधा जुड़ के ये क्या बन जाएगा, पूरा, देखिए प्र प्लस, इसको आधा करना है, ये कर दिया आधा, प्लस इसका क्या बन गया, य प्लस आ क्या बन जाएगा, या पूरा, फिर प्लस गच्छति, तो बताइए क्या गया, प्रत्यागच्छति, पूरा क्या बन गया, प्रत्यागच्छति, पूरा वर्ड क्या बन गया, प्रत्यागच्छति, ये होगा इसका जोड़, ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं इति। अब इसके इस एग्जांपल की सहायता से हम ये भी समझेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करना है, जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ उसको वापिस से हम कैसे विग्रह करेंगे वो भी समझेंगे इस एग्जांपल से। तो फटाफट देखते हैं क्या है, इति प्लस, इति प्लस अधर्म। अब हमारे पास वर्ड क्या है, इति प्लस अधर्म। अब इसका हमारे को बनाना है, इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अंतिम वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में अंतिम वर्ड क्या है, तो के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, छोटी ई की, और जब भी छोटी ई या बड़ी ई होती है उसके स्थान पर क्या आता है अपने पास, य, और य के अंदर मात्रा किसकी लगती है, राइट हैंड साइड के प्रथम वर्ण की, राइट हैंड साइड में जो प्रथम है उसकी मात्रा लगती, मतलब किसकी मात्रा लगेगी, अ की, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, य, और जिसके ऊपर भी मात्रा लगी होती है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम क्या कर देते हैं, आधा। तो अब बनाइए ई का ई प्लस, तय हो जाएगा आधा प्लस य, क्योंकि ई की जगह क्या आएगा, य, तो इसका तो हमने बना के रख लिया है पूरा का पूरा, ये उतरेगा, तो हम ये पूरा ना उतार के सिर्फ इसका प्रोडक्ट उतार लेते हैं, तो ये य प्लस धर्म, ये धर्म, तो अब इसको पूरा जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, ई धर्म, इत्याधर्म, क्या बन गया, इत्याधर्म। अब सोच लीजिए कि ये इत्याधर्म है और इत्याधर्म को हमारे को विग्रह करना है, क्या करना है, विच्छेद करना है, इति प्लस अधर्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने हमारे प्रोसेस क्या थे, सबसे पहले हम देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में जिसके अंदर भी ई ई की मात्रा लगी हुई है, ई या ई की मात्रा लगी हुई है उसको हम क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे। तो अब हमारे को उल्टा करना है प्रोसेस, अब जिसके अंदर भी य के साथ में त लग रहा है, मतलब ये जो आधा है उसको क्या कर लेंगे अपन, पूरा, तो ई का ई तो यहाँ आ गया, इसको कर लेंगे हम पूरा, और हमारे को पता है कि ऐसा तो कोई हमारा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा तो कोई वर्ड हमने देखा ही नहीं है, तो क्या लगेगा यहाँ पर,
इसकी जगह क्या लगेगा? ई, और छोटी की मात्रा ती, इति प्लस। अब यो के अंदर मात्रा कौन सी लगी हुई है? अ की। यो के अंदर मात्रा किसके लगी हुई है? अ की। तो राइट हैंड साइड में पहला वर्ण क्या आएगा? मात्रा का। तो अ प्लस धर्म, ये हो गया इति प्लस अधर्म, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया य का, अब हम देखेंगे व का। तो व में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि छोटा हो और बड़ा हो, कहीं भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाए, इनकी यदि मात्रा दिख जाए तो उसका क्या हो जाता है? व हो जाता है। और इसका तो मतलब आपको समझ में ही आ गया कि इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो अब हम देखेंगे इसका एक उदाहरण, जैसे अनु प्लस अय है। अनु प्लस अय है तो अनु में जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? न। और न के अंदर मात्रा किसकी लगी है? छोटे ऊ की। अब छोटा ऊ है तो इसका मतलब क्या लगेगा? व। और व तो व आधा है, व आधा है तो व के अंदर मात्रा किसकी लगेगी? जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्रथम वर्ण है उसकी, राइट हैंड साइड में प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो व प्लस अ बनकर क्या बन गया? व। तो व मिल गया। अब अपन देखेंगे पहला ए का ए उतार दिया। अब जिसके अंदर भी मात्रा लगी होती है हमने देखा पिछले वालों में, ए का ए यहाँ पर जिसके ऊपर भी मात्रा होती है वो उसका क्या हो जाता है? आधा। तो आधा कर लिया ना। फिर जहां पर भी ऊखी मात्रा होती है उसका क्या हो जाता है? वह। और वह के साथ मात्रा किसकी लगी गई है? तो ये का ये पूरा हमने ना उतार कर हमने इसका क्या उतार लिया? प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वह उतार लिया। और यह का ये ऐसे ही। तो इसका पूरा जब बनाएंगे अ का अ आधा न व यह क्या बन गया? अनवय। अब देखिए कि अनवय को यदि हमारे को विग्रह करना हो वापिस से इसमें बदलना हो तो कैसे करेंगे? उल्टा प्रोसेस है। ए का अ ऐसे ही, आधा जो भी दिख रहा है आपको और आधा किसके साथ हो? कंडीशन होनी चाहिए वो, जैसे ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर तो ऐसा हो। तो ऐसे में जब भी आपको कुछ भी देखे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? वो की कंडीशन हमें याद है। वो में क्या आता है? ओ। यो में क्या आता है? ई और ई। तो इस प्रकार हम उसके अंदर आगे वाले जो भी आधा है उसको पूरा करके उसमें वाली मात्रा लगा देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो अ है तो अ का अ ऐसा ही, इसको हम पूरा करेंगे, इसको पूरा लिख दिया। अब व की कंडीशन क्या होती है? ऊ की। तो ये लगा दिया अनु प्लस व के अंदर मात्रा किसकी लगी की? ए की। ये लगा दिया ए और ये, तो ये बन गया व का व अनु प्लस ए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है अपने पास सु प्लस आगजम। अब क्या है? सु के अंदर वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण। अब ये एक ही वर्ण है तो ये ही अंतिम वर्ण हुआ। तो अंतिम वर्ण के अंदर क्या लगा हुआ है? ऊखी में से ऊखी मात्रा लगी हुई है। ऊखी मात्रा जहाँ लगी हुई होती है उसका मतलब क्या होता है? वो आएगा। और वो के अंदर मात्रा किसकी लगेगी? राइट हैंड साइड के प्रथम वर्ण की। राइट हैंड साइड का प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो आ जुड़ा, तो व प्लस आ जुड़कर क्या बन गया? वाह, ठीक है। हम अपना जोड़ने का काम, जिसके अंदर भी ये मात्राएं लगी होती हैं उस वर्ण को हम क्या कर लेते हैं? आधा। तो इसको कर लिया आधा, प्लस करा हमने ये जोड़ा, इसको ऊ है तो उसको उसकी जगह क्या लगेगा? वह। तो वह प्लस मात्रा किसकी लगी? आ। तो क्या आ गया? वाह। तो वाह ये क्या आ गया? वाह यहाँ जुड़ गया प्लस गतम यहाँ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो स्व आगतम, तो क्या बन गया? वर्ड स्वागतम, ठीक है। अब ये देखिए कि स्वागतम से हमें वापिस से क्या बनाना पड़ा है? ये इसका विग्रह करना पड़ेगा। अब हमारी कंडीशन क्या थी? लेफ्ट टू राइट। अब हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट करने में क्या होता है? जो भी आधा वर्ण है पहले उसको पूरा कर लो, कर लो पूरा, कर लिया। अब उसके आगे क्या है? जिसके जिस पे वो आधा जुड़ा हुआ है, आगे जिससे जुड़ा हुआ, जैसे स है वो किससे जुड़ा हुआ है? व से। किससे जुड़ा हुआ है? व से। और व की कंडीशन क्या होती है? ध्यान दीजिए, व की कंडीशन क्या होती है? ऊ ऊ। तो ऊ लगा दिया, ठीक है। अब प्लस
जो आधा है वो तो आधा ही हो गया। अब वो के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की लगी है या आ की लगी है, ए की लगी है या आ की लगी है, किसकी लगी है, आ की, तो आ लगा दो है ना। फिर वो का वही गतम लो बन गया हमारा संधि विच्छेद, ठीक है। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, अब है अनवागच्छति, इसका हमारे को तोड़ के लिखना है। अब क्या करेंगे, जो भी आधा है सबसे पहले उसको पूरा करो, और जिससे वो जुड़ा हुआ है जो भी आधा है उसको पूरा करो, यानी कि न है तो इसको पूरा करना है, तो ए का ए तो ऐसे ए का आ जाएगा, ये आ गया न पूरा पूरा। कंडीशन देखो, वह है नहीं, हाँ वह है, तो वह के अंदर किसकी कंडीशन ही है, उ या उ में से कुछ आएगा, तो हम लगा देते हैं उ, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है ऐसा जो बनने वाला है वो, ठीक है, तो ये लगा दिया उ। अब यहाँ तक रुक जा, क्यों रुके, क्योंकि इसके आगे हमारे को क्या जुड़नी है, मात्रा जुड़नी है, वो के अंदर मात्रा कौन सी लगी हुई है, ध्यान दीजिए, ए के लगी है या आ की लगी है, इसकी लगी है आ की, तो आ लगा दिया, बाकी सब ऐसा कैसे कर देंगे गच्छति, तो ये हो गया अनुवा अनु प्लस आगच्छति, ये हो गया इसका विच्छेद, संधि विच्छेद, और ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको पक्का कर लेना, समझ में आ तो गया होगा आपको, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने थर्ड टॉपिक पे जो है र। अब रे की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, री प्लस री, या री री जो होती है वो वर्ड के साथ जुड़कर क्या बनता है, आदर है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को कैसे थे, पितृ, पितृ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में अंतिम वर्ण कौन सा है, त, त के अंदर मात्रा किसकी लगेगी, री की। अब री जो है री के स्थान पर क्या लग जाएगा, र, तो कैसे करेंगे इसको, पी का तो पी ऐसा ऐसा, रुको पहले री है तो ये लो मात्रा, त के साथ किसकी मात्रा लगी हुई है, री की। अब री होता है तो हम क्या लगाते हैं, र, आधा र, और आधा र के अंदर मात्रा किसकी लगेगी, राइट हैंड साइड के प्रथम वर्ण की, तो प्रथम वर्ण क्या है, ए, क्या है प्रथम वर्ण ए, तो ये क्या बन गया, रे, क्या बन गया, रे। तो अब जिसके अंदर भी मात्रा लगी होती है उसको क्या कर देते हैं, आधा, तो ये लो पी, तो पी ऐसा कैसा प्लस त को आधा प्लस इसको रे, तो लगाओ इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पितरे, तो क्या हो गया पितरे, या तो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, पितरे, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये हो गया पितरे। अब इसको ऐसे जोड़ना है, तो बस वही कंडीशन है जो हमने पहले उसमें करी, तो अब करते हैं। अब देखिए ली का कोई सवाल पूछा जाता नहीं है वैसे, ल का इम्पोर्टेंट सिर्फ यह वह ही है, र बता दिया मैंने, इस प्रकार है। अब चलते हैं अपन दूसरी संधि पर। अब अपन ने यह संधि में मूल रूप से क्या पढ़ा, ई ई के स्थान पर क्या लगता है, यह। अब ई ई कहाँ लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और यह के अंदर मात्रा किसकी जुड़ेगी, राइट हैंड साइड के प्रथम वर्ण में, उ उ के स्थान पर क्या लगता है, व, री री के स्थान पर क्या लगता है, र, ठीक है ना। ये चीजें पढ़ी हमने, इसके एग्जाम्पल भी देखे। अब हम चलते हैं दूसरी संधि पर जो कि है अयादि संधि, अयादि संधि। अब इसमें मूल मंत्र क्या है, इसको महत्वपूर्ण बात क्या है, ए आई ओ औ, जैसे हमने यण संधि में वर्ण देखे क्या थे वो, य व रल, और इसी प्रकार अयादि संधि में जो मूल है वह क्या है, ए आई ओ औ, ये है अपने क्या वर्ण। अब इन पर काम करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए के यूजेस, किसके यूजेस देखेंगे, ए के। अगर कहीं भी यानी पद के विच्छेद के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में यदि ए की मात्रा है तो उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, अए के रूप में, किसके रूप में, अए के रूप में, ये है तो इसके अंदर चेंज होगा, और यदि अए है तो किसके अंदर चेंज होगा, अए है तो ए के अंदर, और ए है तो अए के अंदर। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन फटाफट से, जो है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब इसको जोड़ के लिखना है अपन को, क्या करेंगे, ने की मात्रा है, ठीक है, अब मात्रा है तो उसका क्या करना है, अए करना है, तो ने को तो ऐसा कैसे लिख दो, ने को तो
अब जिसके ऊपर भी मात्रा होती है उसको क्या कर देते हैं अपन, आधा प्लस उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, अब ए है तो उसका क्या बन जाएगा ए, तो ने के अंदर क्या जुड़ जाएगा ए, और ये ए जुड़ जाएगा ये के अंदर, ये आधा होता है ना, ए क्या होगा ये आधा, ये क्या होगा आधा, तो ए के अंदर प्लस क्या जुड़ जाएगा ए की मात्रा ए प्लस इसके अंदर फिर नम, तो क्या हो जाएगा नम। अब इसको जोड़ देंगे पूरे को क्या बन जाएगा, न के अंदर ए जुड़ा तो न पूरा, य के अंदर ए जुड़ा तो पूरा य, और फिर न और म, तो नए नम क्या बन गया नए नम। अब इसी को अलग करना होगा तो कैसे करेंगे, न ये नए अय का स्वर कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो और अय किसके बीच में आता है, अय कब हम लगाते हैं जब ए होता है, तो ए से हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं ए के अंदर, तो जो आधा था क्या था, जो अब ये पूरा है न क्या है न, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिखो, इसके अंदर ए की मात्रा लगी हुई है ना, ये आधा था जिसके अंदर ए की मात्रा लगी हुई थी, तो हमने ए की मात्रा हटा के उसमें क्या लगा दिया अ की मात्रा, तो अभी ये इसके अंदर किसकी मात्रा फिर से जुड़ जाएगी ए की मात्रा प्लस य, य के अंदर किसकी मात्रा जुड़ी अ की, तो यहाँ पर क्या आएगा अ, और बाकी तो वैसा का वैसा ही है नम, तो ये क्या हो गया ने प्लस अलम क्या हो गया ने नम। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल, अब ए के अंदर तो हमने क्या समझा ए, अब हम समझ रहे हैं ए के अंदर, अब ए की जब भी लेफ्ट हैंड साइड में मात्रा हो तो उसका क्या बन जाता है आय, क्या हो जाता है आय, तो आय का एक एक उदाहरण ले लेते हैं, गई प्लस अकह, गई प्लस अकह जो ग है ये वर्ण है, इसके अंदर मात्रा किसकी लगी है ए की, और ए की मात्रा जब भी लगी होती तो हम क्या लगाते हैं आय, तो आय लगा, तो आय की जगह जिसके अंदर भी मात्रा लगी होती है उसको हम क्या कर देते हैं आधा, हमने ग के ऊपर मात्रा लगी हुई थी उसको कर दिया आधा, आता प्लस आय, तो आय में ग के अंदर मात्रा किसकी जुड़ेगी आ की, प्लस य के अंदर मात्रा किसकी जुड़ेगी ये कौन सा है ये वाला, य के अंदर किसकी मात्रा जुड़ेगी राइट हैंड साइड की प्रथम वर्ण की यानी अ की, ये अ यहाँ का है प्लस ये वाला क यहाँ, तो ग के अंदर आ की मात्रा जुड़ेगी तो आ, य के अंदर अ की मात्रा जुड़ेगी तो ये, और प्लस कह करके यहाँ पर ही तो गा ये क, क्या बन गया शब्द गाय कह। अब गायक को ही हमारे को बनाना है कैसे, इसका विग्रह करना है, तो कैसे करेंगे, कहाँ स्वर आ रहा है गाय, आय का स्वर कहाँ आ रहा है इसके बीच में, कहाँ आ रहा है इसके बीच में, आय का स्वर यहाँ आ रहा है, अब जिसके अंदर भी आ लगा है इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा आधा, क्या करना पड़ेगा आधा, क्योंकि ग यहाँ पर था आ यहाँ पर था, ग प्लस आ करके ये तो गा बना, अब ग आ आधा है तो आय है, इसका मतलब क्या जुड़ेगा ए, तो के अंदर किसकी मात्रा जुड़ेगी ए की, इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पर, तो क्या जुड़ गई ये, अब यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे क्योंकि आगे तो यह आ रहा है ना, आगे तो यह आ रहा है, अब यह के अंदर किसकी मात्रा जुड़ी हुई है यह था, यह के अंदर किसकी है अ की, तो यहाँ किसकी आ जाएगी मात्रा ए, और लास्ट में फिर क्या बचा क्या है तो अक है, गई प्लस अक है गई एक, तो चलो अब अगला टॉपिक है हमारे पास ए का हो गया आई का हो गया अब ओ, अब जहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ओ की मात्रा होगी उसका क्या हो जाएगा औ, क्या हो जाएगा औ, तो अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पो प्लस अन है, पो प्लस अन है, प है, पो के अंदर किसकी मात्रा लगी है ओ की, तो क्या बना पो, तो पो बना तो ओ है, तो ओ की जब भी ओ आता है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी जगह क्या आता है औ, तो ओ की जगह आएगा औ, ठीक है ना, अब प तो आधा ही था क्या जुड़ा इसके अंदर अव, अब प यहाँ था प्लस ओ की जगह क्या आएगा अव, तो अव यहाँ का आ गया, तो प प्लस ए प्लस व के अंदर मात्रा किसकी लगेगी राइट हैंड साइड के प्रथम वर्ण की, क्या लगेगा ए प्लस न के न ऐसे ही, अब प प्लस ए क्या बन गया प, व प्लस ए क्या बन गया व,
और नह कहना ऐसे ही, तो प प्लस व प्लस नह क्या बन गया, पवनह। वही सिस्टम रहेगा, पवनह को यदि हम विच्छेद करना चाहें तो क्या होगा, अव की जो अव का जो स्वर आ रहा है वो क्या आएगा, कहाँ आ रहा है स्वर, पव के बीच में आ रहा है, पव के बीच में आ रहा है, तो व अव, अव कहाँ आता है, ओ, तो ओ कहाँ लगेगा, प के अंदर, तो प तो आधा का आधा था, जोड़ते चलिए, प प्लस ए था, अव की जगह हम क्या लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, ओ, तो प प्लस ओ की जगह क्या लगेगा, पो, तो ये लग ये आ गया यहाँ पो, प्लस वे तो हटी क्या, ओ यहाँ आ गया, तो प्लस अन है बचा लास्ट में, तो पो प्लस अन है क्या हो गया, पवन है। अब आगे है औ, तो हम देखते हैं औ को, अब हमने ए भी देख लिया, ए भी देख लिया, औ भी देख लिया, अब बचा है औ, तो औ को क्या है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में औ आए तो औ आने का, जब भी औ आए तो उसको किस में चेंज करेंगे, आव में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, भहु प्लस उकह, बहु प्लस उकह, तो बहु है तो भय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, औ, तब बना बहु, इसको हम बहु को हमने तोड़ लिया। अब जब भी औ होता है उसको किस में कन्वर्ट करना है, आव के अंदर, औ को आव में चेंज करा तो भय का भय ऐसा, औ को किस में चेंज करना है, आव में, तो आ प्लस वे आधा है, वे के अंदर क्या जुड़ेगा, राइट हैंड साइड का प्रथम वर्ण की मात्रा जितनी भी है वो, तो क्या है, ऊ, तो ऊ का ऊ यहाँ जुड़ गया, और अक है के ये, तो वह प्लस आ जुड़कर क्या बना, भा, वह प्लस ऊ जुड़कर क्या बना, ऊ, और कह का कह है यहाँ पर, तो क्या बन गया, भावुक। अब भावुक से हमें वापस से क्या बनाना है, बहु प्लस उखे, इसको विग्रह करना है, तो कैसे करेंगे, जहां भी आव का, जहां भी आव का जो आ रहा है हमारे को सिर्फ स्वर याद करने हैं, जो भी वॉइस निकल रही वो याद करनी है, ए आए अव आव, ए आए अव आव, ए आए और अव आव, ये साउंड हमारे को याद होना चाहिए, तब हम अयादि संधि को याद करेंगे। तो यहाँ क्या है, आव, आव आ रहा है, तो आव किसके बीच में आ रहा है, भा प्लस व के अंदर, अब वो अलग बात है जो ऊ की मात्रा लगी हुई है इसके अंदर, है ना, भावोक, है ना, तो भा, तो भा कैसा था यहाँ पर, आधा था ना, तो अब आव है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आव था तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, औ, तो ये तो हो गया भाव प्लस व के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की, ये लो ऊ प्लस कह, तो भाव कह, ठीक है ना, भाव कह। अब एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने अयादि संधि के अंदर क्या पढ़ा, अयादि संधि के अंदर हमने वर्ण पढ़े, वर्ण थे क्या, ए ऐ औ और औ, ये थे, यण संधि में य व र ल, ये थे, और अयादि संधि में क्या है, ए ऐ ओ और औ। अब जब भी लेफ्ट हैंड साइड में ए की मात्रा दिखे तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, ए के अंदर, ऐ की मात्रा दिखे तो आय के अंदर, औ की मात्रा दिखे तो औ के अंदर, और औ की मात्रा दिखे तो उसको आव के अंदर, ठीक है। अब यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।